नमस्कार दोस्तों, और एक ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि डीजे वर्सेस बैंड पार्टी व्हिच इज प्रॉफिटेबल, कौन सा प्रॉफिटेबल है। आप वीडियो को पूरा देखें और पैसा कमाएं। अब बात होती है कि ये वीडियो मैंने क्यों बनाया, वो आप पूछ लेंगे कि क्यों बनाया। इसीलिए बनाया कि मेरे बहुत सारे गाँव के सब्सक्राइबर जिन्होंने बताया कि सर लास्ट जो वीडियो हमने एक वीडियो दिया था कि आप साउंड सिस्टम में जाइए 1-2 हज़ार कमाइए, उन्होंने बोला कि सर 1-2 हज़ार में क्या हो जाएगा एक प्रोजेक्ट में, हमको थोड़ा और प्रॉफिट चाहिए, 8-10 हज़ार कैसे मिलेगा। तो चलिए उसका वीडियो भी मैं ला रहा हूँ, मेक ए बैंड पार्टी इन जीरो इन्वेस्टमेंट और आप प्रॉफिट इनकम करें 10 हज़ार से भी ज़्यादा। लाइव प्रूफ में दिखाऊंगा कैसे आप 10 हज़ार से भी ज़्यादा कमा सकते हैं एक जीरो इन्वेस्टमेंट से, कैसे। तो चलिए ये वीडियो लास्ट सेकेंड आएगा, आज रात को आएगा। अभी के लिए जो वीडियो आप देख रहे हैं, जो वीडियो है आपको बता देता हूँ, कंपैरिजन करें डीजे वर्सेस बैंड पार्टी में। तो डीजे के बारे में तो सबको पता है, अब डीजे कैसे बजता है सारा चीज़ हमने बहुत सारे वीडियो बना लिया। अब बैंड पार्टी के ऊपर वीडियो नहीं बनाया है, तो इसीलिए मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ बैंड पार्टी का। थोड़ा एक वीडियो दिखा देता हूँ जो कि मेरे खुद का चैनल का है वीडियो, तो आपको थोड़ा दिखा देता हूँ ये वीडियो। तो आपने पूरा वीडियो देख लिया, अब पता चलो। चलिए बात करते हैं कि कौन सा अच्छा है डीजे और बैंड पार्टी। अब सबको पता है कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। डीजे अपनी जगह पे बहुत ही अच्छा है, बैंड पार्टी अपनी जगह पे है, दोनों अलग अलग जोनर के हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि कौन प्रॉफिटेबल ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट की हिसाब से। तो चलिए बात करते हैं। अब वीडियो को अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और एक कॉमेंट तो बनता है, प्लीज एक कमेंट दीजिए, एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर कम से कम दे दीजिए। और बाकी आप चलते रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे या बुरा लगे जो भी लगे आप कम से कम लिख तो दीजिए। चलिए बात करते हैं डीजे वर्सेस बैंड पार्टी में। इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है डीजे में, क्योंकि आपको पता है क्यों डीजे सारा बॉक्स भाई एक एक बॉक्स 30,000-40,000 आता है, एम्पलीफायर 30-35 हज़ार का आता है, और ऐसे करके चलेंगे तो एक छोटा मोटा डीजे आप करने में 2-3 लाख आपका आराम से चला जाएगा। 3 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन आपको उसी हिसाब से, चलिए बात करते हैं क्या होगा। लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है बैंड पार्टी में, बहुत ही कम है, सबका इंडिविजुअल सिस्टम रहता है। जो आदमी आता है उसका खुद का ढोल रहता है, उसका खुद का निशान रहता है, खुद का डुलडुली रहता है, सारा चीज़ अपना खुद का रहता है, और वो आदमी भी खुद का रहता है तो उनका इन्वेस्टमेंट उस तरह से बहुत ही कम है। अब कैसे बैंड पार्टी बनाए वो लास्ट वीडियो और सेकंड में बनाएंगे, टाइम हो जा रहा है। सेकंड में रिस्क जो है वो डीजे में हाई है, क्यों रिस्क ज़्यादा है। अब डीजे सपोज आप एक काम करते, देखिए डीजे में आपका साउंड सिस्टम है, बहुत सारा सामान लगा है, और कहीं पे अगर एक भी सामान आपका जल गया, गलती से कोई एक भी सामान आपका टायर रनिंग में जल गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वो क्या होगा, वो पूरा डैमेज आपका है 40,000 का, छोटा मोटा डैमेज नहीं है, वो 30-40 हज़ार आपका गया। अब 40,000 डीजे वाले को मिलेगा कितना, अब डीजे वाले की बात करता हूँ मैं, हमारे लोकेलिटी में जो डीजे वाले हैं 5,000 से लेके 50,000 तक। अब 5,000 कौन है, गणेश पूजा विसर्जन में जो डीजे आते हैं वो 5,000 में आते हैं, क्योंकि लोकल रहते हैं। हाँ उतना है, आप देखिए शादी में जो 40,000 वाला सेट के साथ 5,000 कंपैरिजन ही नहीं है। ये डीजे वाला गाना बनाता बजाता है, बस चार बॉक्स ले आया, दो टॉप एक बेस, बेस भी कभी कभी नहीं लाते 5,000 में, चार टॉप ले आया हो गया, छोटा गाड़ी में दे दिया, टेम्पो में दे दिया, हो गया 5,000 चलो। तो ऐसे भी होता है, लेकिन 5,000 शुरू होके 50,000 तक होता है, 50,000 वाला डीजे भी बहुत अच्छा रहता है। अब देखिए इनका इन्वेस्टमेंट रिस्क फैक्टर क्या है, अगर बॉक्स जल गया तो आपका एक साथ 30-40 हज़ार चला गया, काम खत्म। लेकिन इनका क्या है बैंड पार्टी का, आपको कुछ जाने वाला नहीं है, क्या हो जाए, ढोल फट जाएगा 500 रुपये का या 1,000 रुपये का, ढोल फटने के चांसेस बहुत कम रहता है, फिर रिपेयर भी हो सकती है इजिली, 500 रुपये में ढोल रिपेयर हो जाता है। तो इनका कोई रिस्क नहीं होता, नो रिस्क एट ऑल, अपने रिस्क में आते हैं, अपने रिस्क में चले जाएंगे। अब इमरजेंसी नो बैकअप डीजी में क्या होता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम यही समस्या होती है कि अगर सपोज आपका जनरेटर फेलोर हो गया, कुछ भी फेलोर हो गया, आपका सिस्टम अगर ठप पड़ गया, तो भाई अब जो आदमी शादी हो या कुछ भी हो,
दारू पी के आराम से डांस करने वाला, डांस करने वाला आदमी मैक्सिमम जो होता है दारू पी के डांस करता है, दारू पी के डांस करे तो डांस करता रहेगा, और उस टाइम आपका डीजे बंद हो गया और चालू नहीं हुआ तो क्या करेंगे वो लोग, गुस्से में आके फोड़ देंगे, तोड़ देंगे। अब गया वहां पे आपकी बैकअप कुछ नहीं, क्योंकि डीजे जिस टाइम शादी का सीजन होता है आप सबको पता है कि डीजे उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होता है, तो आपको बैकअप की चांसेस नहीं। रात को 8 बजे 9 बजे आपको क्या मिलेगा बैकअप, घंटा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो वो डीजे बंद, एक तो पैसा नहीं मिलेगा, एक पैसा कोई नहीं देगा क्योंकि आपका डीजे तो चला नहीं, भाई तुझे क्या पैसा दूं, तू ऊपर से मुझे पैसा दे, शादी करने वाला बोलेगा मुझे पैसा दे, तेरा डीजे खराब हो गया मैं क्या करूं। तो वो प्रॉब्लम है, और लोग भी एक दो बॉक्स को तोड़ भी दिए, अब देते भी ऐसा नहीं, दारू पी के सब आराम से मार देंगे आप, बॉक्स फॉक्स तोड़ देंगे, एक तो पैसा नहीं मिला, ऊपर से आपकी ये प्रॉब्लम हो, दशा हो गई। लेकिन इनका क्या है, बैंड पार्टी में आपको देखिए एक समस्या कुछ नहीं है, अगर उनका सपोज साउंड सिस्टम फेल हो गया कोई दिक्कत नहीं, भाई हमारा मैनुअल ढोल है ना, सब तो मैनुअल है, इसमें बस कीबोर्ड अपना आपको चलाना पड़ता है, बाकी तो सब मैनुअल है। अब कीबोर्ड छोड़ो, कीबोर्ड को, अब कीबोर्ड का भी बैटरी आ जाता है, बैटरी में भी वो चल सकता है, वो बैटरी भी रहता है, क्यों क्यों करके वो चला देगा थोड़ा साउंड पे, और बाकी इन लोग का काम है भाई पूरा बजाएंगे दुल दुल करके, अब लोग झूम जाएंगे, और उनका बैकअप बहुत ही अच्छा है। और तीसरा जो चौथा पॉइंट जो है, हम बात करते हैं रनिंग प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट के जगह आपकी रनिंग प्रॉफिट बहुत ही कम रहता है। अब प्रॉफिट देखिए डीजे में बहुत है, अगर आपने सही से चलाया डीजे में प्रॉफिट है, कोई भी बिजनेस लॉस नहीं होता, मैं आपको बोल देता हूँ अभी से, ऐसा ये बस कंपैरिजन है, ऐसा नहीं कि डीजे में लॉस होता है बैंड पार्टी में प्रॉफिट, ऐसा नहीं है, दोनों में प्रॉफिट है, दोनों में भी लॉस है, लेकिन परसेंटेज ऑफ लॉस अगर आप देखना चाहेंगे तो मेरे एंगल से, इस एंगल से तो ये रिस्क फैक्टर थोड़ा कम होता है बैंड पार्टी में। अब जो सबसे अहम पॉइंट है पांच नंबर, डीजे इज अंडर रिस्क। अब डीजे अंडर रिस्क क्या है, गवर्नमेंट भाई बैन कर दिया है रात के 10 बजे बहुत सारे शहर में है कि आप डीजे नहीं बजा सकते, उच्चे साउंड पे आपको नहीं बजाएंगे। अब डीजे वहीं पे मार खा गया, अब डीजे नहीं बजा सकते आप रात को 10 बजे के बाद, आप भुवनेश्वर में जाइए कोई भी बड़ा सिटी में डीजे नहीं बजा सकते बेटा, लेकिन बैंड पार्टी बज सकता है क्योंकि वो धीरे धीरे बजेगा, उनका डीबी कम है, वो आराम से बजाएंगे और डांस करते रहेंगे, तो वही है बहुत अच्छी ऐसी इस तरह से वो बैंड पार्टी हमको अच्छी लगी। और बाकी जो प्रॉफिट नुकसान की बात होती है, दोनों में प्रॉफिट है, ऐसा कुछ नहीं कि बैंड पार्टी में प्रॉफिट नहीं है। हाँ, बैंड पार्टी में प्रॉफिट जो होता है वो आपको मैक्सिममली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सारे लोगों में, और जो मालिक रहता है उसको जो प्रॉफिट मिलता है डीजे के मुकाबले कम मिलता है, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम रहता है और रिस्क फैक्टर भी बहुत कम रहता है। क्वालिटी ऑफ साउंड के ऊपर बैंड पार्टी में कोई बहुत ही कॉम्प्रोमाइज है, अब कुछ क्वालिटी के बस नॉर्मल क्वालिटी को आपको भेजना है, ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं कि आपको बड़ा बड़ा बक्स लगाना नहीं बजाना है, आपको सस्ते 2000 वाले सारा चीज़ लगाना है। और ये वीडियो मैं लेके आऊँगा आज रात को, मेक ए बैंड पार्टी इन जीरो इन्वेस्टमेंट गेट प्रॉफिट मोर देन 10,000, कैसे आपको बिना इन्वेस्टमेंट में 10,000 आपको कमा के दे दूंगा, आप लाइव प्रूफ आपको दिखा दूंगा और प्रूफ करके दिखा दूंगा ये वाला। अगर ये वीडियो को आपको देखना है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, और ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं तो क्या मुझे ये वाला वीडियो मेक ए बैंड इन जीरो इन्वेस्टमेंट बनाना है या नहीं बनाना है, अगर आपका जरूरत है या और आपके ऐसे कुछ दोस्त हैं जिनको जरूरत है ये वाला वीडियो का, तो जरूर हम बनाएंगे, अगर आप मना करते हैं तो ये वीडियो में नहीं बनाऊंगा। तो जल्दी से अपना कमेंट लाइक सब शुरू कर दीजिए और देखते रहिए, और मैं लास्ट में वही बोलने वाला हूँ, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ या किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप इससे भी इस साउंड बिजनेस में भी कुछ पैसे इनकम कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई डीजे प्रेस्टिजियस काम है और बैंड पार्टी प्रेस्टिजियस का काम नहीं होता, लेकिन मैं बता दूं काम काम होता है, काम का कोई मोल नहीं है, कोई काम छोटा नहीं होता, आपने सुना होगा कोई काम छोटा नहीं होता। ठीक है, आप बैंड पार्टी खुद नहीं बजा सकते, लेकिन आप टीम बना सकते हैं, उन पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, या उन टीम को आप एक टीम बनाइए, आप कुछ पैसे उनको दीजिए और वो अपना बनाएंगे और जो प्रॉफिट होगा आपको 10-20% आपको दे देंगे, तो इससे आप प्रॉफिट डायरेक्टली, जो लोग पैसे वाले हैं डीजे भी बना सकते हैं, बैंड पार्टी बनाइए और डीजे बैंड पार्टी एक साथ। अब मैं गारंटी देकर कह सकता हूँ कि आपकी शादी में डीजे जाए या ना जाए, छोटा से छोटा शादी में बैंड पार्टी जरूर जाता है। आप बोल सकते हैं जिसकी शादी में डीजे गया है उसका तो बैंड पार्टी कंपलसरी रहेगा ही रहेगा, और जहाँ पे हो सकता है वहाँ डीजे होगा लेकिन बैंड पार्टी कम से कम होगा, कोई छोटे मोटे शादी में, ये आप मैंने देखा हूँ कि बैंड पार्टी कम से कम रहता है छोटे मोटे शादी में। जो लोग देख रहे होंगे गाँव का वो जरूर खुश हो जाएंगे इस एपिसोड से, मुझे इतना दिल से मैं बोल सकता हूँ कि आपको जरूर खुशी आएगी कि जिन लोगों को बैंड पार्टी के बारे में मैं वीडियो बनाया।
अगर कहीं से कुछ गलती हो हुआ है तो जरूर हमको माफ कर दीजिए, क्योंकि हमको हम इमोशन लोगों के इमोशनों के साथ जुड़े रहते हैं।